दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक सेल इनवॉइस को डिलीट करें तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर अगर हम एक सेल इनवॉइस को कैंसिल करें तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे कितना फर्क पड़ता है। तो दोस्तों हमें इनवॉइस को डिलीट करना और एक इनवॉइस को कैंसिल करना दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आज आपको इस वीडियो में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में हम जितने इफेक्ट पड़ने वाले हैं कैंसिल करने से और डिलीट करने से, वो भी आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम एक बार टोटल सेल वाउचर को देख लेते हैं और उन सेल वाउचर से जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक रेडी है, जितना हमारा GST R1 का जो डाटा हमारा रेडी है उसको एक बार हम जरूर देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार टोटल सेल इनवॉइस को हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि सेल रजिस्टर को। इसके लिए हम डे बुक पे जाएंगे, उसके साथ F4 प्रेस करेंगे और सेल वाउचर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हम पूरे ईयर्स का डाटा एक बार यहाँ पे ले लेंगे। तो आप अभी देख रहे हो हमारे पास टोटल 6 इनवॉइस आपके सामने आ रहे हैं और टोटल सेल की जो इनवॉइस की जो वैल्यू है, टोटल सेल 6 इनवॉइस की, वो 47,109 रुपये और 14 पैसे की है। तो यानी कि 6 इनवॉइस हमने अभी तक इशू किए हुए हैं और इन सभी का रिकॉर्ड हमने एक बार इसको रिकॉर्ड को देखने के लिए एक्सेल शीट में इसको हमने मेंटेन कर लिया है, ताकि जब हम इसको कैंसिल करें या फिर डिलीट करें तो इसका इफेक्ट हमें टेली सॉफ्टवेयर में पता लगता रहे। तो हमने एक बार ये क्लियर होगी हमारे पास टोटल 6 इनवॉइस है। अब हम एक बार GST रिटर्न को देख लेते हैं। जो जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपको मैं सभी पहले दिखाएंगे और डिलीट और कैंसिल करने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखना। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे GST रिपोर्ट को देखने के लिए, स्ट्रेचरी रिपोर्ट और GST रिपोर्ट, GST R1 को, और एक बार हम पूरा डाटा ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसको डॉक्यूमेंट समरी पे हम जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट समरी पे जाने के बाद आप देख रहे हो हमारे पास टोटल 6 इनवॉइस दिखा रहे हैं, एक नंबर इनवॉइस से 6, टोटल 6, कैंसिल कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ यानी कि टोटल जो हमारे पास नेट इशू है वो 6 इनवॉइस है और 6 इनवॉइस अभी तक हमने देख चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर हम इस इनवॉइस को कैंसिल करें तो कैसे करें या फिर डिलीट करें तो कैसे करें। तो वापस सेल वाउचर ओपन कर लेते हैं, हमारा सेल रजिस्टर को सारे को। तो दोस्तों अब देखो, अब मान लीजिए आपके पास आपकी कंपनी है, वो कंपनी मैनुअल सेल बुक बिल बुक अपने साथ में रखती है और उसी मैनुअल सेल बुक से आप अपने टेली सॉफ्टवेयर में उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो। अब मान लीजिए आपका कोई कस्टमर था राजकुमार, और मैनुअल रूप से आपने उसको 4 नंबर इनवॉइस दिए और आपने इनवॉइस को देख के 4 नंबर वाउचर की एंट्री सॉफ्टवेयर में भी कर दी। अब मान लीजिए उस कस्टमर ने उस सामान को लेने से मना कर दिया, तो मैनुअल सेल बुक में अक्सर दुकानदार होते हैं उस इनवॉइस को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं कैंसिल लिख के। तो अब आपको अपने सॉफ्टवेयर पे से उसको भी हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो हमारे पास ये जो 4 नंबर इनवॉइस है, ये 11,700 रुपये और 88 पैसे के अमाउंट का इनवॉइस है। तो हमने ये सॉफ्टवेयर में भी साथ के साथ मेंटेन किया, यहाँ भी आप देख रहे हो ये 4 नंबर इनवॉइस सेम ही है। अब मान लीजिए आपका मैनुअली सेल बुक बिल में से 4 नंबर इनवॉइस कैंसिल कर दिया, तो आपको सॉफ्टवेयर में भी हटाना पड़ेगा। अगर आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट करने से क्या होगा, अब 4 नंबर इनवॉइस को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो एल्ट के साथ हम डी प्रेस करेंगे। तो जैसे हम डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वार्निंग आएगी भी आपको डिलीट करना है या नहीं करना, डिलीट करना है तो बिल्कुल हम इसको यस करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने इसको डिलीट किया तो आपने देखा क्या चेंजिंग हुआ भी, आपका जो 5 नंबर इनवॉइस था अब वो आपका 4 नंबर इनवॉइस बन चुका है, और जो 6 नंबर इनवॉइस था वो अब आपका 5 नंबर इनवॉइस बन चुका है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी आपकी यहाँ पर हो जाएगी डिलीट करने से। तो यानी कि अब जो हमारा टोटल जो सेल रहेगा वो 35,408 रुपये और 26 पैसे की रहेगी। अब हम एक बार GST रिटर्न को देख लेते हैं। तो GST रिटर्न को देखेंगे तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की समरी है, अब आपको वहाँ पर टोटल 5 इनवॉइस दिखाएगा, 1 to 5, और नेट इशू आपको 5 दिखाएगा, और आपको अभी वाउचर पे भी जो हमारा सेल रजिस्टर है वहाँ पर भी आपको 5 सेल वाउचर ही दिखाई दे रहे हैं। सेल वाउचर को पूरा रजिस्टर ने ओपन कर लिया। अब सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होगी भी, जिस कस्टमर को आपने 5 नंबर इनवॉइस दे रखा था
तो वो 4 नंबर हो गया, और जो कस्टमर को आपने 6 नंबर इनवॉइस दे रखा था वो उसका सीरीज जब चेंज होगी 5 नंबर इनवॉइस होगी, जबकि आपकी मैनुअली जो सेल बिल बुक है जिसे हाथ से आप बिल काटते हो वो वहाँ पर आपका रिकॉर्ड 6 नंबर का बोलेगा, आपके कंप्यूटर में यानी कि आपके टेली सॉफ्टवेयर में उस पार्टी का बिल है जो 5 नंबर इनवॉइस है जो श्योर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं भी अगर हमें इसको सीरीज हमारी बिल्कुल सेम रहे, अब मान लीजिए जैसा कि डिलीट हम ना करें वो इनवॉइस है वो हमारे सेल रजिस्टर से भी हट जाए और उसका इफेक्ट हमारे अदर पार्टी के ऊपर भी ना पड़े, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों अब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 5 इनवॉइस रह गए। अब मान लीजिए 3 नंबर इनवॉइस जो आपका है ये कस्टमर ने सामान लेने से मना कर दिया और आपने अपनी बिल बुक में से 3 नंबर इनवॉइस को कैंसिल कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी सेल वाउचर पे रहते हम करेंगे एल्ट के साथ एक्स, तो एल्ट एक्स करेंगे तो हमारे से ये वार्निंग आएगा कैंसिल का, तो हम इसको करेंगे कैंसिल। तो दोस्तों जैसे हमने कैंसिल किया तो आप देख रहे हो जो 3 नंबर वाउचर है वो अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ से हट चुकी है, और आपकी जो वाउचर नंबर की जो सीरीज है उस पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 4 नंबर इनवॉइस एजीटीज है, 5 नंबर इनवॉइस भी एजीटीज है, तो अब इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको डिटेल दिखाएगा कैंसिल, यानी कि ये इनवॉइस आपने कैंसिल कर दिया। अब हम इसकी जीएसटी रिपोर्ट पे जाके चेक करते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट पे और जीएसटी R1 पे, और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट समरी पे जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो भी टोटल आपने 1 से 5 नंबर इनवॉइस किए, टोटल 5 है और 1 इनवॉइस आपने कैंसिल किया है, तो नेट इशू आपके 4 हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको, जो कैंसिल की जो रिपोर्ट आती है जीएसटी R1 में जो हमें रिपोर्ट देनी होती है उसकी डिटेल आपके साथ शो रहेगी, और आपने नेट कितने सेल इनवॉइस इशू किए उसकी भी समरी आपके पास रेडी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो मतलब सीरीज चल रही है मतलब आपकी मैनुअल सेल बुक के साथ में वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो एजीटीसी रहेगी। अब उसके बाद में हम उसका जो रहेगी बात उसका जो स्टॉक है उस इनवॉइस का जो स्टॉक था अब वो स्टॉक हमारे वापस स्टॉक में ऐड हो जाएगा, तो उसकी डिटेल हम अगर देखें तो वापस हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बार उस 3 नंबर इनवॉइस को हम ओपन करेंगे सेल रजिस्टर को, और F4 प्रेस करेंगे हम डे बुक पे जाके सेल वाउचर, और इस सेल इनवॉइस में आप देख रहे हो जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम थी यहाँ पे वो सब कुछ 0 हो चुकी है, पार्टी का नाम आ चुका है और यहाँ पर आपको कैंसिल लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि इस आइटम की जो भी डिटेल थी वो सब कुछ हट जाएगी, बट आपको इस सेल रजिस्टर में ये 3 नंबर वाउचर शो जरूर करेगा और इसका जो पर्टिकुलर स्टेटस है वहाँ पर आपको कैंसिल जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी भी मैनुअल सेल बिल बुक साथ में रखती है और आप उसी मैनुअल सेल बिल बुक को देख के अपने सॉफ्टवेयर में डिटेल जो फिलअप आप करते हो सेल वाउचर की एंट्री आप करते हो, तो अगर आपने मैनुअली सेल बुक में से अगर इनवॉइस को कैंसिल किया है तो यहाँ पर भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा, न कि कोई डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने से आपने देखा तो 6 नंबर का जो इनवॉइस था अब वो हमारा 5 नंबर का बन चुका है। अगर हम एक्सेल की डिटेल देखें जो हमने पहले तैयार कर रखी, तो जो 6 नंबर इनवॉइस था वो 2430 रुपये का था, और अब हम इसकी समरी देखें तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो 2430 रुपये की अमाउंट का इनवॉइस है वो 5 नंबर वाउचर बन चुका है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है आपके पार्टी के साथ, अकाउंट स्टेटमेंट मिलाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।